17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, एक जो है ओमिक्रॉन पाया गया है। सर, जो कल आपने बताया था कि ये कहा जाए तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं, फाइनल है कि एक ओमिक्रॉन है। अच्छा। एक पेशेंट जो है वो ओमिक्रॉन से ग्रस्त है और बाकी जो 11 हैं वो ओमिक्रॉन नहीं है। सर, उसकी अगर तबीयत की बात, तबीयत ठीक है, जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल में ऑल आर स्टेबल, कईयों को तो सिम्टम भी नहीं है, कोई उनको पता नहीं लग रहा है। सर, बाकी 5 लोगों की रिपोर्ट कब तक आ सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी रिपोर्ट जाती है उसको 3 से 4 दिन लगते हैं पॉजिटिव आने के बाद, उसको जब जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजते हैं, तो जैसे आज या कल या परसों तक आएंगी तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा। सर, कुछ स्पेशल तैयारी, क्योंकि अब दिल्ली में दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन, तो कुछ स्पेशल तैयारी? देखिए, सबसे बड़ी स्पेशल तैयारी तो ये है कि किसी भी तरीके से इसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए, इसीलिए एयरपोर्ट पे जो भी अफेक्टेड कंट्री से लोग आ रहे हैं 100% लोगों का टेस्ट वहीं पर किया जा रहा है, जिसमें भी पॉजिटिव पाए जाते हैं उसको तुरंत आइसोलेट किया जाता है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से उसको कम्युनिटी में जाने से रोका जाए। सर, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि सख्ती आपने कहा था? देखो, मैंने बताया ना, सबसे पहले तो आएगा तो एयरपोर्ट से, विदेशों से आएगा तो रास्ता तो कोई और है नहीं, तो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ही एक एक इंसान को चेक किया जा रहा है और सबका टेस्ट किया जा रहा है। जो भी पॉजिटिव पाया जाता है उसके बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, तो अभी सबसे ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा है। सर, एक सवाल ये बता दीजिए, आपने कहा कि 27 लोगों को अब तक एलएनजी में भर्ती किया गया है, उसमें से एक ओमिक्रॉन का है, तो बचे 26, इनमें से क्या 12 लोग ओमिक्रॉन नेगेटिव हैं, 11 लोग ओमिक्रॉन नेगेटिव हैं? जी, 11 लोग, 12 लोगों का जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है, जिसमें से एक ओमिक्रॉन पॉजिटिव है, 11 लोग कोरोना तो है उनको पर ओमिक्रॉन नहीं है। सर, ये टीम को भी, जैसे 2 की रिपोर्ट थी जो आपने बताया 12 वाले, टीम को भी कुछ सैंपल्स गए थे, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी और कितने लोग के सैंपल गए हैं? देखिए, अभी 17 में से 12 की रिपोर्ट तो मैंने बता दी कि उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, बाकी 5 बचे हैं, उनकी रिपोर्ट भी 2 या 3 दिन में आ जाएगी। जो क्लोज कॉन्टेक्ट है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल नहीं, जब तक पॉजिटिव नहीं है जीनोम सीक्वेंसिंग किस बात की होगी? पहले तो ये देखना कि पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होता है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, अभी तक सिर्फ 17 लोग पॉजिटिव हैं। जैसा स्थिति, क्योंकि वैक्सीन लगवा ली थी लोगों ने और हालात बहुत ज्यादा सुधर गए थे, ऐसे में लोग अब जो है वो कोरोना प्रोटोकॉल का नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं, खासकर तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, सतर्क रहने की जरूरत बताया, साथ ही जिन लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है, जिन सैंपल्स की, उसमें एक ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है, इसकी जानकारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं। और मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ लगातार जुड़ा है। डॉक्टर विवेक, एक चीज और ये समझाइए, क्योंकि जहां पर भीड़ है वहां पर कोरोना के फैलने और इस वेरियंट की खासतौर पर बात करूं तो बहुत ही मुफीद जगह बन जाती है, चाहे बाजार या फिर सड़क पर आप निकले तो भीड़ नजर आती है, लेकिन साथ ही एयरपोर्ट्स बहुत ही सेंटर पॉइंट है और मुफीद जगह इसके फैलाव के लिए, जगह जगह टेस्ट करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए काउंटर्स बने हुए हैं, वहां पर भी बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, ऐसे में क्या सतर्कता वहां बढ़ती जाए कि इसको फैलने से रोका जा सके, क्या अरेंजमेंट्स ऐसे होने चाहिए? नहीं, देखिए, मैं कल ही एयरपोर्ट से कल ही आया हूँ, हैदराबाद से फ्लाई करके फॉर ए कॉन्फ्रेंस से, मैंने देखा कि दिल्ली का जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है T3 टर्मिनल, वहां पे बहुत ज्यादा अभी भी रश, बहुत ज्यादा रश है। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज्ड टू सी सच ए रश व्हाइल आई वाज गोइंग टू हैदराबाद। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस तरह की, ये जो पॉइंट है खास करके एयरपोर्ट का, मैंने बॉम्बे इसीलिए कैंसिल किया है टू गो टू बॉम्बे फ्रॉम हैदराबाद की, क्योंकि लेस ट्रेवल इज इंपॉर्टेंट। वहां पे 10-12 आदमी हर एयरलाइन के होने चाहिए, जो केवल ये देखे कि मास्क ऊपर तक है, अगर पूरा मास्क लगा हुआ है तो प्रोटेक्शन कंप्लीट है, चाहे आप 1 मीटर के डिस्टेंस पे भी हो, आप रोक नहीं सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मींस 2 मीटर अवे, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जब चेक इन करता है कोई भी यात्री, चेक इन कर रहा है या जिस समय खास करके सिक्योरिटी टर्मिनल पे, तो वहां पे तो 1 मीटर से भी कम रह जाता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि आप जितनी भी एयरलाइंस हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहां पे हमको इस तरह के लोग होने चाहिए जिनका काम केवल यही होते, मे हैव टू एम्प्लॉय अनदर एजेंसी। सही बात आप कह रहे हैं, और इसका अभी अभाव नजर आ रहा है एयरपोर्ट पर, और ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधानियों का, एहतियात का लोग पालन करें, ये सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।